नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो इंजीनियर पवन यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त पवन आप सभी का इस वीडियो के अंदर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक कार इन्वर्टर बनाने वाले हैं। दोस्तों, इस इन्वर्टर को यूज करके आप फोन के साथ अपनी गाड़ी में लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हो, वो भी बहुत ही आसानी से। तो चलिए दोस्तों, अभी हम इस इन्वर्टर को चेक करते हैं और अभी मैं आपको अपना फोन चार्ज करके दिखाता हूँ। ओके, हमने चार्जर वहाँ पे लगा दिया है और मैं अभी आपको आगे लैपटॉप भी चार्ज करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, इस इन्वर्टर को आप बहुत ही आसान तरीके से घर पे बना सकते हो। वो कैसे बनाना है वो सब मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, अभी हमने चार्जर ऑन कर दिया है। ठीक है, अभी पावर ऑन हो चुका है और देखो अभी हमारा फ़ोन चार्ज हो जाएगा, चार्जिंग कनेक्टेड हो जाएगा। ओके, तो देखो हमारा फ़ोन अभी चार्जिंग कर रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको लैपटॉप भी चार्जिंग करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अभी हम लैपटॉप भी हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। ओके, देखो फ्रेंड्स, वैसे तो आपको मार्केट में कई सारे जो हमारे चार्जर जो होते हैं डीसी वाले, वो आपको कई सारे मिल जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि फ्रेंड्स, वो सभी चार्जर हमारे महंगे महंगे स्मार्टफोन के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। ठीक है, क्योंकि वो बैटरी लाइफ रिड्यूस कर देते हैं और अगर आप उन चार्जर को यूज़ करके अपनी बैटरी चार्ज करते हो फ़ोन की, तो वो बैटरी बैकअप बहुत ही कम देती है। ओके, और वो बैटरी लाइफ रिड्यूस कर देती है। तो देखो फ्रेंड्स, हमारा लैपटॉप भी अभी चार्जिंग कर रहा है। चलिए दोस्त, जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। बस आप वीडियो कम्प्लीट देखिएगा, आपको काफ़ी सारा मज़ा भी आने वाला है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, हम पीवीसी पाइप जो होता है उसका सीट मैंने बना लिया है और वो सीट से हम उसकी बॉडी हम बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ये बॉडी आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना है। आप जहाँ पे लगाना चाहते हो, जिस गाड़ी में आपको लगाना है, जहाँ पे आपको लगाना है उस हिसाब से आपको बॉडी बनाना है। ठीक है, फिलहाल मैं कुछ अपने हिसाब से मैं इसकी बॉडी बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो जल्दी से अभी हम फटाफट बॉडी बना के आपको रेडी करवा के दिखाते हैं। ओके, तो दोस्त, यहाँ तक का काम हमने पूरी तरह ख़त्म कर दिया है। देखो, हमारी पीवीसी सीट की पीवीसी पाइप का सीट जो था वो यूज़ करके हमने यहाँ तक की बॉडी हमने कंप्लीट कर दिया है। और फ्रेंड्स, ये इसका टॉप कवर। ठीक है, इसमें हम स्विच सॉकेट हम इसमें लगाने वाले हैं, 3-pin सॉकेट हम लगाएंगे और कुछ स्विच हमें कंट्रोलिंग के लिए यहाँ पे हमें लगाने हैं। ओके, अभी हमारी बॉडी बन के पूरी तरह से रेडी है। इसको आपको फैब्रिक की मदद से चिपका लेना है और अभी इसे और स्ट्रांग बनाने के लिए हमें क्या करना है। देखो फ्रेंड्स, हमें एक पीवीसी सॉल्वेंट, जो पीवीसी पाइप चिपकाने के लिए जो सॉल्यूशन आता है, वो हम हमेशा की तरह इसे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब दोस्तों, आफ्टर 1 आवर के बाद ये पूरी तरह से सूख चुका है। आप देख सकते हो, वाव, अभी काफी स्ट्रांग अभी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, इस तरह से हमने टॉप पैनल में हमने 3-pin सॉकेट और कुछ कंट्रोलिंग के लिए कुछ स्विच हमने वहाँ पे लगा दिए हैं। आपको कोई भी सिंपल एसपीएसटी स्विच आपको यूज़ करने हैं। ठीक है, अब दोस्तों, इस टॉप पैनल को हमें स्क्रू से ऊपर टाइट करना है। ठीक है,
यानी जब भी कोई प्रॉब्लम आए हम इसे खोल सके। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार का जो पेन आता है सिंपल वाला, उस पेन के कुछ टुकड़े कुछ पीस आपको कट कर लेने हैं और वो हम यहाँ पे चिपका देंगे और ऊपर से हम वहाँ पे स्क्रू लगा सकते हैं। चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सब करना है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, जो पेन के जो चार पीस हमने कट किए थे वो हमने चारों एंगल में हमने वहाँ पे चिपका दिए अच्छे से। अब दोस्तों, हमें यहाँ पे एक प्रोटेक्शन के लिए इसे एक फ्यूज़ लगाना है। आप कोई भी फ्यूज़ यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं इस टाइप का फ्यूज़ होल्डर मैं यहाँ पे लगाऊंगा। इसमें मैंने फ्यूज़ भी लगा दिया है। आप इसमें 2 एम्पीयर से 5 एम्पीयर तक का फ्यूज़ आप इसमें लगा सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम ये यहाँ पे साइड में लगाएंगे। दोस्तों, फ्यूज़ लगाने के बाद हम कुछ इस प्रकार के एसी पे चलने वाले एलईडी इंडिकेटर हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, ठीक है। ये किस प्रकार से बनाना है इसके ऊपर भी मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ, आपको उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, इसको हमने 100K का एक रजिस्टर हमने लगाया है, ठीक है, हाफ वॉट में, और हमने एक डायोड भी लगाया है। डिटेल्स में जानने के लिए आप वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। ये हम लोड पे हम लगाएंगे, जैसे ही हम ये सॉकेट ऑन करेंगे तो उस पर ये चलेगा। दोस्तों, हमने एलईडी का कनेक्शन सॉकेट के साथ हमने कर दिया है। अब दोनों सॉकेट का न्यूट्रल हमें एक जगह पे कर देना है, एक जगह पे शॉर्ट करना है। अब दोस्तों, यहाँ पे जो साइड वाले जो दो स्विच है उसका कनेक्शन हम सॉकेट के साथ कर देंगे, लाइन वायर के साथ, ठीक है, लाइन पॉइंट, ओके, उसके साथ हम इसे कनेक्ट कर देंगे। और न्यूट्रल को हम कॉमन कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सारा कनेक्शन अभी कर दिया है, दोनों सॉकेट का कनेक्शन हमने कंप्लीट कर दिया है, ओके। उसे एलईडी भी हमने लगा दिया है सॉकेट को, दोनों सॉकेट को, एक एक सेपरेट एलईडी और दोनों का अलग सेपरेट स्विच। अब दोस्तों, कुछ इस टाइप का हम डीसी टू एसी कन्वर्टर सर्किट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ये जो आपको मार्केट में जो मिल जाता है 200 वाट का मिनी डीसी टू एसी कन्वर्टर, ये सर्किट मैंने उसी में से निकाला है। तो फ्रेंड्स, इसका कनेक्शन देखो, ब्राउन और ब्लैक वायर इसका इनपुट, 12 वोल्ट, ओके। और ये साइड में इसमें एक एलईडी है, यहाँ पे एक पावर ऑन एलईडी है, और यहाँ पे जो येलो और ग्रीन वायर जो दिख रही है आपको, तो वो दोनों वायर उसके आउटपुट के लिए, ठीक है, इसी आउटपुट के लिए। और ये एक इसका येलो कलर का एलईडी, पावर ऑन एलईडी, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें दो मॉस्फेट यूज़ किए हैं, P55, ठीक है। ये दो मॉस्फेट ट्रांसफार्मर को ड्राइव करने के लिए लगाए गए है। और इसमें एक PMW कंट्रोलर है, एक इसमें PMW IC है जिसे हम ऑसिलेटर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये IC SG3525 इसका नंबर है, ठीक है, ये PMW IC से बोलते हैं। PMW यानी पल्स विड्थ मॉडुलेशन। फ्रेंड्स, ये सर्किट बहुत ही कम पावर में ये अच्छा, यानी बहुत ही इसका लोड करंट काफ़ी कम है और ये काफ़ी अच्छा पावर ही देता है, इसलिए हम ये सर्किट यूज़ कर रहे हैं ताकि गाड़ी की बैटरी ज़्यादा जल्दी से लो ना हो, ठीक है। और फ्रेंड्स, इसमें एक जो यहाँ पे हम डीसी इनपुट पावर देने वाले हैं, तो जहाँ पे इसका नेगेटिव वायर है वहाँ पे हम एक डायोड लगाएंगे 6 एम्पीयर का। तो दोस्तों, वो डायोड हम क्यों लगा रहे हैं? तो दोस्तों, वो डायोड हम रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन के लिए वो हम वहाँ पे लगा रहे हैं, सर्किट प्रोटेक्शन के लिए। डीसी इनपुट का जो नेगेटिव वायर है उसे हम पहले निकाल देंगे और वहाँ पे हमें डायोड हमें सोल्डरिंग कर देना है, ओके। तो फ्रेंड्स देखो, डायोड को बेसिकली दो पिन होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। जिस साइड आपका सिल्वरिंग होगा वो आपका कैथोड होगा और अपोजिट वाला एनोड, ठीक है।
तो फ्रेंड्स जो एनोड पिन जो है उसका, तो वही हमें सोल्डरिंग करना है नेगेटिव पिन पे, जहाँ पे हम डीसी पावर देते हैं, बैटरी का डीसी पावर, वहाँ पे हमें वो सोल्डरिंग कर देना है। और डायोड का जो सिल्वरिंग है वहाँ पे हम बैटरी का नेगेटिव वायर हम वहाँ पे सोल्डरिंग कर देंगे। ठीक है, देखो हमने कर दिया है, अब नेगेटिव डायोड के सिल्वरिंग पे अभी हमने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब हम इसका कनेक्शन कर सकते हैं। अब दोस्तों सर्किट का जो पॉजिटिव पिन जो है, पॉजिटिव वायर, ब्राउन वायर, तो उसे हम सेंटर वाले स्विच के साथ हमें कनेक्ट करना है। ठीक है, तो सेंटर वाला स्विच का जो जहाँ पे आउटपुट जो पिन है वहाँ पे हम इसे सोल्डरिंग कर देंगे सेंटर वाले स्विच में। यानी जैसे ही हम सेंटर वाला स्विच हम ऑन करेंगे तो हमारा सर्किट वहाँ पे ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों सेंटर वाला जो स्विच है उसका जो इनपुट पिन है वहाँ पे हम एक पिंक कलर का एक वायर वहाँ पे सोल्डरिंग कर देंगे, ताकि उसमें हम 12 वोल्ट दे सके। ठीक है, अब दोस्तों वही पिंक कलर का वायर हमें फ्यूज़ में लगाना है। ओके, ताकि सीरीज में फ्यूज़ हम सीरीज में लगाते हैं, तो जब भी अगर ज़्यादा ओवरलोड अगर इसमें आए, ज़्यादा लोड के कारण यहाँ पे फ्यूज़ ब्लाउन होना चाहिए, फ्यूज़ उड़ जाना चाहिए, इसके लिए हमें फ्यूज़ सीरीज में वहाँ पे लगा रहे हैं, इसलिए हमने वो पिंक कलर का वायर हमें फ्यूज़ में सोल्डरिंग कर देना है। अब दोस्तों एक हमने ऑरेंज कलर का एक वायर लिया है, अब हम बॉक्स के बॉडी के पीछे से हम वहाँ से एक होल से हम उस वायर को पास करवा लेंगे, ताकि हम उसमें, यानी ये हमारा इनपुट लीड होगा प्लस होल्ट, ओके प्लस 12 होल्ट, तो ये प्लस पॉइंट होगा, यानी प्लस बैटरी का प्लस, हम ऑरेंज कलर का वायर हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स ये वायर को आपको सीधे फ्यूज़ में आपको लगा देना है, जो फ्यूज़ का एक पिन जो बचा है वहाँ पे हम इसे सोल्डरिंग कर देंगे। अब फ्रेंड्स इस वायर में हम 12 वोल्ट का करंट हम दे सकते हैं बैटरी से। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे सर्किट में से हमें दो वायर हमें मिलते हैं इसी आउटपुट के लिए, एक येलो और एक ग्रीन। ठीक है, तो येलो फेस है यानी लाइन वायर, तो फ्रेंड्स लाइन वायर को हम जो साइड वाले जो दो स्विच हमने लगाए हैं वहाँ पे हम दोनों स्विच के इनपुट पिन में हम येलो वाले वायर हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यानी सर्किट से जो भी एसी सप्लाई आएगा लाइन वायर, तो वो लाइन पहले स्विच से यानी स्विच को मिलेगा। ठीक है, हम फिर स्विच से हम ऑन ऑफ करवा के दोनों सॉकेट हम ऑपरेट कर सकते हैं LED के साथ। ओके, दोनों स्विच को इनपुट पिन पे हमें लाइन वायर कनेक्ट कर देना है, सर्किट का लाइन वायर हम दोनों स्विच के इनपुट पिन पे हम कनेक्ट करेंगे। अब दोस्तों लाइन वायर का कनेक्शन हमने पूरी तरह से कर दिया है। ठीक है, अब सर्किट का जो न्यूट्रल जो वायर बचा है ग्रीन कलर का वायर, ये न्यूट्रल हम कोई भी सॉकेट में हम लगा देंगे, क्योंकि दोनों सॉकेट का न्यूट्रल वायर ग्रीन कलर का वायर हमने आपस में शॉर्ट किया है। ठीक है, न्यूट्रल कॉमन है। ओके, तो न्यूट्रल भी हम कोई भी सॉकेट में एक सॉकेट में हम कनेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों न्यूट्रल का भी कनेक्शन हमने कंप्लीट कर दिया है। अब दोस्तों सर्किट से जो येलो कलर का जो LED पावर ऑन LED जो निकला है उसे हम सेंटर वाला स्विच के बिल्कुल ऊपर के साइड में वहाँ पे हमने एक होल कर दिया है, वहाँ पे हम उस LED को हम वहाँ पे फिक्स कर देंगे, और सभी LED को हम ग्लू गन से अच्छे से वहाँ पे चिपका देंगे, ताकि वो हिले नहीं। ठीक है, अब दोस्तों सर्किट को हमें माउंटिंग करना है, हमें बॉडी में उसे फिट कर देना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ होल कर देंगे और उसे हम अच्छे से खुद से वहाँ पे टाइट कर देंगे। ठीक है, दोस्तों कनेक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद हम इसको एक बार टेस्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद में हम इसका टॉप पैन, इसका टॉप कवर हम अच्छे से स्क्रू से हम वहाँ पे टाइट कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले 12 वोल्ट सेट कर लेते हैं हमारे पावर सप्लाई में। अब देखिए दोस्तों ये वर्किंग कर रहा है। ठीक है, अभी पावर ऑन हो चुका है और ये दोनों सॉकेट अभी अच्छे से वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, आप LED देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों अभी इसे हमें फिटिंग करना है। ठीक है, तो हम पहले टॉप का जो कवर है उसका, उसे हम पहले फैब्रिक यूज़ करके हम उसे अच्छे से पहले चिपका देंगे प्रॉपर तरीके से, फिर हम ऊपर से उसे स्क्रू से टाइट कर देंगे अच्छे से। ओके,
दोस्तों हमने फैब्रिक की मदद से इसे अच्छे से चिपका दिया है। ओके, आपको पहले फैब्रिक लगा के इसे अच्छे से चिपका देना है, उसके बाद में हम इसे स्क्रू लगा सकते हैं। तो अभी हम ऊपर से इसे होल करके फिर हम ऊपर से स्क्रू लगा देंगे। ओके दोस्तों, ये ड्रिल मशीन भी हमने तैयार किया है, इसका वीडियो लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वीडियो देख सकते हो। आप ये इस ड्रिल मशीन आसानी से बना सकते हो। और फ्रेंड्स, हमने ग्राइंडर भी बनाया है जो कि डीसीपी ऑपरेट करता है। ये ड्रिल मशीन और वो ग्राइंडर दोनों डीसीपी ऑपरेट करते हैं दोस्तों। ये भी आप घर पे आसानी से बना सकते हो छोटे मोटे काम के लिए। तो उन सभी का वीडियो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, दोस्तों इसका टॉप कवर हमने अच्छे से स्क्रू लगा के अच्छे से टाइट कर दिया है। ओके, अब ये प्रॉपर तरीके से स्ट्रांग बन चुका है। अब हमें इसे थोड़ा सा फिनिशिंग देना है, जो कि हम ग्राइंडर मशीन की मदद से हम अभी इसे थोड़ा सा फिनिशिंग कर देंगे। ओके, अब देखिए दोस्तों, हमारा इन्वर्टर बनके रेडी हो चुका है। अब इसी प्रॉपर तरीके से हमने एक अच्छा फिनिशिंग हमने दे दिया है। ओके, आप देख सकते हो, और इस पर हमने कुछ लेबलिंग भी हमने कर दिया है। इस इन्वर्टर की बॉडी में आपको कुछ होल रख देने हैं, होल कर देने हैं, ताकि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। ओके, तो चलिए दोस्तों, अभी इन्वर्टर बनके रेडी है, अभी हम इसका टेस्टिंग करेंगे। देखो, हम पहले माउंट कर चुके हैं अपनी गाड़ी में। ओके, देखो साइड में हमने एक एक स्क्रू लगा के इसे अच्छे से माउंटिंग कर दिया है प्रॉपर तरीके से। अब दोस्तों, इसका कनेक्शन हमें चाबी ऑन होने पर करना है। तो देखो, इस टाइप का जो सॉकेट होता है आपका डीसी चार्जर का, तो उसी की कनेक्शन के साथ ही आपको इसका कनेक्शन कर देना है। जैसे आप चाबी ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपका पावर ऑन हो जाएगा। ओके, सेंटर का बटन आपको ऑन करना है, फिर आपका यहाँ पर पावर ऑन हो जाएगा। तो चलिए, अभी हम इसे मोबाइल चार्ज करके देखते हैं। ओके, फिर हम लैपटॉप भी चार्ज करके देखेंगे। तो दोस्तों, देख सकते हो आप, हमारा इन्वर्टर अच्छे तरीके से वर्किंग कर रहा है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और इस तरह से वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे बेशक कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। बहुत जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।